खबर ग्वालियर से है, जहां नगर निगम के पार्षद चुनाव में हारे कांग्रेस प्रत्याशी मोनू उदय राज योगी ने वोटों की गिनती में हुई गड़बड़ी को लेकर प्रशासन पर सवाल खड़े किए। आपको बता दें कि नगर निगम के चुनाव में वार्ड 47 से कांग्रेस प्रत्याशी मोनू योगी ने चुनाव लड़ा था, जिसमें कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले मोनू उदय राज योगी बीजेपी के जितेंद्र मुदगल से 38 वोटों से पराजित हुए, जिसके बाद मोनू उदय राज योगी ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किए जाने पर याचिका दायर की है। ग्वालियर के नगर निगम चुनावों में वार्ड 47 से पार्षद पद पर निर्वाचित हुए बीजेपी के जितेंद्र मुदगल के खिलाफ कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले उदय राज योगी ने याचिका दाखिल की। आपको बता दें कि इस चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले उदय राज योगी बीजेपी के जितेंद्र मुदगल से 38 वोटों से पराजित हुए। याचिका में उदय राज योगी की तरफ से कहा गया है कि संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण थी, मतदान केंद्र क्रमांक 826 पर कुल 1003 पंजीकृत मतदाता थे, जिसमें से 624 मतदाताओं ने वोट डाले, जबकि मतगणना के परिणाम में कुल 628 बताए गए जो कि डाले गए हैं वोटों से 4 वोट अधिक थे, जिससे स्पष्ट होता है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है। वहीं मतदान केंद्र क्रमांक 824 पर जो ईवीएम पर टैग लगाकर हस्ताक्षर कराए गए थे उनमें भी छेड़छाड़ हुई है। याचिका में आरोप लगाया गया कि मतदान केंद्र क्रमांक 826 पर पीठासीन अधिकारी ने स्वयं खड़े वोट डलवाए। याचिकाकर्ता के एजेंटों ने इस पर आपत्ति की, परंतु उनकी आपत्तियां नहीं ली गई। वहीं याचिकाकर्ता द्वारा रिकाउंटिंग का आवेदन दिया गया था, उसे भी स्वीकार नहीं किया गया, जिससे साफ है कि बीजेपी प्रत्याशी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से फर्जी मतदान किया गया, ईवीएम बदलवाए गए, जानबूझकर रिकाउंटिंग नहीं की गई। इस प्रकार संपूर्ण मतदान प्रक्रिया दूषित हुई है, जिससे चुनाव का परिणाम प्रभावित हुआ है। याचिकाकर्ता उदयराज ने योगी ने याचिका में निर्वाचन निरस्त किए जाने की अपील की, क्योंकि ईवीएम में हेराफेरी कर बीजेपी प्रत्याशी को विजयी बनाना भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। क्रमांक में 624 वोट डाले गए थे। जब वो 826 काउंटिंग के दौरान जब वो उसको ये गणना होती है तो उसमें 628 वोट कैसे हो जाते हैं, 4 वोट कहाँ से आते हैं? वो भाई या तो बच्चे देना शुरू कर दिए ईवीएम ने